सबसे सबसे बड़ी बड़ी समस्या समस्या है है ये माइक ऑन करना जब भूल जाते हैं सबसे बड़ी है। <laughs> मतलब ऐसी फीलिंग आती है ये क्या हुआ चलिए कोई बात नहीं हम फिर से शुरुआत करते हैं हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय जेह भारत वंदे मातरम वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी क्लास मेरा नाम है पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फुल प्रूफ फुल जोश से भरपूर एक और नई क्लास में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर नम, वन आज हम इसमें कवर करने वाले हैं बहुत ही नई क्लास है बहुत ही नई चीजें हम इसमें पढ़ेंगे बहुत ही नया काम आप लोगों ने इसमें किया है विद टाइमर विद स्टॉप वॉच आज हम इसमें काम करने वाले हैं बहुत ही मजा आएगा मेरे लाल लंका लगाने वाले हैं जय हिंद जय हिंद समय जो भी हो गुड मॉर्निंग एवरीबडी अपना पूरा जोश लेकर के अपने बैग में भर करके लाद करके और चलिए चलते हैं सवालों की ओर आ जाओ भाई सारे बच्चे फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए असली मजा तो उसी में है शेयरिंग इज केयरिंग मेरे लाला शेयरिंग नहीं तो केयरिंग नहीं कर रहा हूं तुम मेरी चलिए आइए भाई मोडल टेस्ट पेपर वन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्टी में से थर्टी अपना टारगेट होगा तीस क्वेश्चन या उन्तीस क्वेश्चन या इकतीस सवाल जितने भी ये जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे फोड़े जाएंगे एयरफोर्स नेवी बच्चों के लिए स्पेशल टारगेटेड क्लास है ये ठीक है मेरे लाल? स्टार्ट करते हैं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं टेलीग्राम तो की जो भी हैं उनको बताओ कि पंकज सर की एस एस के लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और पंकज सर की एयरफोर्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है ये दोनों क्लासेज स्पेशर एस एस सी अगर आप प्रिपरेशन

टाइमर 20 सेकेंड का उस कोने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा एक बियर होगा यहां जो आपको सवाल संख्या दिखाएगा ठीक है एक सवाल संख्या दिखाएगा सवाल आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा 20 सेकेंड के टाइम के बाद में उसको सोल्व करके आप लोगों को दूंगा और मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ इतना सा बीस सेकेंड के टाइम इंटरवल में आंसर निकालना है भले आप कमेंट ना कर पाओ भले कमेंट करने में आपको 25 सेकंड लग जाए लेकिन उस 20 सेकंड के टाइम इंटरवल में अगर आपने सवाल को सोल्व कर दिया तो गर्दा उड़ाने वाले हो पेपर में क्योंकि पेपर में 40 से 45 सेकंड मिलेंगी इसी तरह के एक सवाल के लिए तो मेरे लाल बहुत मजा आने वाला है चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर वन इज गोइंग टू बी लाइव ऑन योर स्क्रीन पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है लाइव है ना आ जाओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइव ऑन योर स्क्रीन पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव आ चुका है समय आपका चालू हो चुका है समय सबको दिख रहा है एक बार ओके कर दो. मजा बहुत आएगा, है ना मजा बहुत आएगा समय दिखना चाहिए सवाल नंबर दिखना चाहिए सवाल दिखना चाहिए और फोड़ना है आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाना काम मेरा और सवाल को फोड़ना काम आपका है मेरे लाल फटाफट से फोड़िए वी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी ओके okay, मेरे लाल जैसे ही समय 20 सेकंड समाप्त होगा 20 सेकंड पूरा हो जाएगा वो समय दोबारा चलने लगेगा तो हम जो है ये 30 सेकंड हो चुके हैं फिलहाल अब हमें शुरू करना है क्योंकि नया नया मॉड्यूल है मजा आएगा इन चीजों को सोल्व करने में ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का संबंध रीडर से है तो बताओ ब्रेड का संबंध किससे होगा यार न्यूज को यूज करने वाले को रीडर कहा जाता है पढ़ने वाला पाठक कहा जाता है वैसे ही ब्रेड को यूज करने वाले को गेहूं नहीं कहा जाता खरीदार नहीं कहा जाता बिग कर नहीं कहा कंज्यूमर कहा जाता है जो उसको हैव करता है जो उसको खाता है टेक करता है कुछ भी मान लीजिए ऑप्शन तो नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल विद टाइमर, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है ना क्योंकि जब तक टाइमर नहीं होता ना तब तक आपको लगता नहीं कि बीस सेकंड हो गई आपको पता ही नहीं सवाल को आए दस सेकंड हो चुके हैं पे आपकी स्क्रीन पे आए इस सवाल को दस सेकंड हो गई आपको फील भी नहीं हुआ जल्दी एग्जाम में टाइम निकल जाता है समय समाप्ति की और देखिए मेरे लाल आइस का संबंध कोल्डनेस से है बर्फ जो है वो शीतलता को दर्शाती है कि बर्फ में शीतलता होती है वैसे ही शीतलता क्वालिटी है बर्फ की ठंडक कोल्डनेस एक बर्फ की क्वालिटी है वैसे ही अर्थ की क्वालिटी बोलो सर जी ग्रेविटेशन है है दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल है जो न्यूटन साहब ने खोजा था ई e बराबर एमसी स्क्वायर जिनका एक फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ई e बराबर एमसी स्क्वायर से एक फॉर्मूला है और जी बराबर में, आ, मैं मैं भूल गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ऐसे कुछ था ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल जी बराबर में होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ऐसा ही होता है कि भाई

है ना सवाल की लंका लगानी है फोड़िए चलिए फोड़ो जल्दी फोड़ो आंसर बताओ चलिए चलिए जल्दी फोड़िए वोट दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन फोर्स का होता है सर जी ये तो अच्छा फिर कुछ कुछ और होता होगा यार फोर्स का तो पागल हो गया यार फोर्स का तो ये है फोर्स का होता है कुछ क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ एक

साठ बटे चौबीस करो ए बटे बी करके देख लो एक बार तो सर जी ए बटे बी करा तो कितना आया एक बार काट के देखो ये कितना आ गया तीस आ गया ये बारह आ गया फिर काटो पंद्रह पांच पांच छी तीस हो गया हैं, छे आ, छे दया छह चौक चौबीस हो गया वैसे तो दस बटे चार पांच बटे दो आया कुल मिलाकर ये आया सीधी सी फाइव बाई टू आया तो मैं क्या कह सकता हूं क्या ये बात कह सकता हूं मैंने इनको भाग करके एक चीज नोटिस कर ली यार पांच बटे दो आ रहा है अब पांच बटे दो कैसे आ रहा है वो सुनो पांच बटे दो इनको भाग करने पर आ रहा है तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मैं चौबीस को अगर मैं 24 को 5 बटे दो से भाग गुणा करूं नोट भाग गुणा करूं तो 60 आएगा सर जी करके देख लो 24 गुणा पांच बटे दो तो सर जी कितना 60 हो 12, 12, होता है क्या बिल्कुल होता है सर एब्सोल्युटली राइट तो सेम केस में क्या सेम केस में आपको 120 को पांच बटे दो से गुणा करना है दट इज आंसर आ गया साठ और छह पंजे तीस आंसर इज थर्टी तीन सौ आंसर कहां है 300 300 ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है गुरुदेव गुरुदेव पेश है आपकी स्क्रीन पे ये लो साहब आगे स्क्रीन के ऊपर सवाल के टाइम लिमिट में ही सवाल सॉल्व होना चाहिए 20 सेकंड होने के बाद वो फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा है ना 20 सेकंड होने के बाद वो समय फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा तो कृपया उस पे ध्यान देंगे मेरे लाल फोड़ो फोड़िए फोड़िए जल्दी फोड़िए कई सारी तरीके हैं एक बच्चा बोल रहा है 24 को 4 से गुणा करके अगर मैं देखो देखो एक बच्चा बोल रहा है क्या कि मैं 24 को 4 से भाग करूंगा और फिर जो वैल्यू आएगी जैसे 24 को 4 से भाग करने के बाद जो वैल्यू आई 6 चौक 24 चो है ना तो 6 आया अब 6 को मैं गुणा करूंगा 10 से तब जाके 60 आया तो मेरे लाल आप इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो 4 से भाग और 10 से गुणा तो 4 से भाग और 10 से गुणा कर रहे हो मतलब तो पांच बटे दो ही हुआ इतनी बड़ी रामायण करने का क्या क्या काम है मतलब तो यही हुआ कि आप पांच दो से गुणा करना चाह रहे हो खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है. Question, से है, आंसर क्या है इस सवाल का? चलो भाई <laughs> ओके? थोड़ा सा थोड़ा सा जो है एरर है इसमें कर लो ठीक फिफ्टी होएगा यहां पे है ना फिफ्टी है हाँ कंप्यूटर महोदय ने गलत लिख दिया यहाँ पे

समय अंतराल के अंदर रह के काम करें मैं इस पर थोड़ा और काम करता हूं देखता हूं कि ये समय 20 सेकंड का होने के बाद यहां से हट जाए तो ज्यादा बेटर होगा अपने लिए है ना आप लोग नहीं तो फिर अगला टाइम शुरू हो जाता आप सोते अच्छा अच्छा दस सेकंड और बचिए क्या तो कल से थोड़ा और देखते हैं कि ये बीस सेकंड के अंदर अपने आप यहां से हट जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा फोड़िए वसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबडी फटाफट से फोड़िए लंका लगा रखिए बेटा अभी करंटली आपके एयरफोर्स के लिए कोई कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है अभी आप सिर्फ इसी क्लास के अंदर पढ़िए कॉन्सेप्ट में साथ साथ बताता रहूंगा हर सवाल के साथ में जल्दी ही आप लोगों के लिए एयरफोर्स के लिए एक जो है बैच आने वाला है जस्ट वेट फॉर टाइम विश्वास और पेशेंस सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से चलिए आओ भाई सवाल पे पकड़ो सवाल की कोलर आइए क्या कहें सीता अशोक की भतीजी है देखो सीता का कोई पिताजी रहा होगा है ना सीता का कोई पिताजी रहा होगा अशोक की माता लक्ष्मी है ओके कल्याणी लक्ष्मी की माता है कल्याणी के पति गोपाल हैं पार्वती गोपाल की सास है बहुत लंबा चौड़ा रिलेशन ले गया अरे चलो आप लोग करिए बीस सेकंड हो गई आपकी आप, आप लोग करिए बहुत मजा आएगा देखते हैं जरा देखते है ना देखते हैं आप लोग करिए जरा बहुत मजा आने वाला है ओके ऑप्शन डी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए भी आंसर आ रहा है काफी आंसर आ गए अब अपनी, अपनी बारी है, अब आ जाओ सीता अशोक की भतीजी है सीता क्या है अशोक की भतीजी अब एक बात बताओ एक बात बताइए क्या सीता के जो अंकल हैं भतीजी है? मतलब अंकल ही तो वे अशोक जो है वो अंकल हैं तो मैं अंकल लिख देता हूं अंकल और भतीजी दैट इज नाइसी ओके ठीक है अशोक की माता लक्ष्मी है अशोक की माता कौन है लक्ष्मी है एक्स लिख दो लक्ष्मी ये माता होगी अब अगली लाइन कल्याणी लक्ष्मी की माता है कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी माता होगी कल्याणी का पति गोपाल है कल्याणी का पति कौन हो गया गोपाल हो गया ये पत्नी हो गई ये पति हो गया पार्वती गोपाल की सास है गोपाल की सास कौन है पार्वती है इसका मतलब कल्याणी की भी सास कल्याणी की माता कौन हो गई आ, पार्वती हो गई पी आर से हम लिख देते हैं इसको सीता का गोपाल से क्या संबंध है गोपाल का सीता से संबंध पूछा ध्यान से सुनिएगा एक बात को ये आपके पापा मम्मी या चाचा चाची या अंकल की जनरेशन है अच्छा आपके अंकल की मम्मी आपकी क्या दादी लगी क्या आपके अंकल की मम्मी क्या आपकी दादी लगी यस सर और दादी की भी मम्मी क्या आपकी दादी की मम्मी क्या आपकी नाना नानी वाली जनरेशन में चली गई नाना नानी से भी ऊपर चली गई और पढ़ नाना पढ़ नानी वाली जनरेशन में चली गई पड़ नाना पड़नानी वाली जनरेशन में जा चुकी है बातें कहां है देखो जरा ध्यान से या पड़दादा पड़दादी भी कह सकते हैं क्योंकि आपकी दादी की मम्मी है तो ये तो पड़दादा पड़दादी वाली जनरेशन है देखो भाई ग्रेट ग्रैंड ग्रांड सन है ओनली गलत है सर जी उसके बाद में अः सन की तो बात ही खत्म है क्योंकि डोटर है ना ये तो अच्छा यहां देखो नातिन भी नहीं होगा और पोती भी नहीं होगा यहां देखो सीता इस गोपाल से ग्रेट ग्रैंड डोटर सीता गोपाल की पढ़ नातिन है हाँ हो सकता है कि ये हो इसको भी पढ़ देखा गोपाल इस सीता फादर नहीं हो सकता किसी हालत में नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी आंसर लेंदी था लेकिन आसान था लेंदी था लेकिन आसान था जब तक आपको नहीं पता होगा जनरेशन गैप कैसे क्रिएट करना है नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को जनरेशन गैप कर, क्रिएट करना सीख जाइए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी देखो जनरेशन गैप मम्मी पापा दादा दादी पड़दादा पड़दादी तो पढ़ा दा, पड़दादा पड़दादी वाली जनरेशन है तो एक ग्रांड डॉटर हुई ग्रेट ग्रांड डॉटर दट इज पढ़ जो है पोती हुई एक तरह से कह है सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल अगले सवाल पे ही है डू फास्ट एवरी वन फास्ट एवरी वन फोड़िए कृपया समय अंतराल को ध्यान में रखें चलिए अच्छी बात है चलिए फोड़ी भाई देखिए सर सवाल में कह रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इक्वेशन कहां है इसकी है इक्वेशन कहां है इसकी सौ घटाना प्लस को गुणा एक माइनस को जोड़ना नहीं कौन सा सही है फोन का है मेरा यार एक मिनट वेट करो यार ना? दिस इज द इक्वेशन अब सोल्व करिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोडी भाई वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन आंसर बताइए इस सवाल का क्या होगा वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन छह प्लस तीन गुणा एक प्लस पांच का आंसर आपको बताना है तो देखते हैं सर जरा छह प्लस का मतलब बोलिए प्लस का मतलब गुणा हो गया सर जी तीन गुणा का मतलब बोलिए गुणा का मतलब है सर जी गुणा का मतलब है घटाना तीन माइनस एक हो गया और गुणा पांच हो गया देखो जरा छुणा दो गुणा पांच आंसर इज सिक्स कहा है ऑप्शन नंबर सी में है अगला सवाल ऑप्शन नंबर सी में है <laughs> अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब आसान हो गया प्लीज बताओ सर क्या पूछना चाह रहे हो बेटा इक्वेशन दी थी आपको यह वाली सिक्स प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन प्लस फाइव इज क्या होगा अगर ये सारे ऑपरेशन लगाए जाए तो तो प्लस की जगह पे रखना था गुणा तो प्लस की जगह हमने गुणा रखा और गुणा की जगह रखना था माइनस तो गुणा की जगह हमने माइनस रखा और गुणा की जगह फिर से प्लस की जगह फिर गुणा रखा सोल्व करा बोर्ड मास अकॉर्डिंग पहले सर जी ब्रैकेट सोल होगा बदमाश बच्चा बदमाश ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब सोल होता है तो पहले ब्रैकेट सोल होगा ऑफ डिविजन की अगर मैं बात करूं तो डिविजन तो सर ब्रैकेट सोल होगा तो डिविजन

सर जी टाइमिंग के हिसाब से चलो प्लीज बेटा टाइमिंग आपके लिए है मेरे लिए थोड़ी है मैं अगर टाइम को देख के चलूंगा तो धज्जियां उड़ जाएंगी आप लोगों की मैं अगर समय को देख के चलूंगा ना तो धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी फिर चलो है ना बहुत अच्छे बहुत अच्छे देखो समय आपके लिए 20 सेकंड खत्म होगी आपका समय समाप्त तो 12 प्लस का मतलब है सर्जी दिवाएड़। 6, दिवाएड़ का मतलब और दो और गुणा का मतलब होगा दैट इज दो आया माइनस तीन दोनों छह हो गया प्लस में आठ हो गया आठ और दो दस दस में छह गया चार आंसर ऑप्शन नंबर बीस आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लाइव ऑन यूर स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लाइव ऑन योर स्क्रीन फोड़िया व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको समय वो फॉलो करना है है ना आपको समय फॉलो करना है मेरे को तो समझा नहीं है चीजें बेटा चलिए फोड़िए। जल्दी फोड़िए। जल्दी फोड़िया डू फास्ट एवरीबॉडी जल्दी करो आंसर फोड़िए इस सवाल का क्या होने वाला है शाबाश देखो भाई आ जाओ जल्दी से सवाल क्या करे छब्बीस प्लस को देखो समय समाप्त हो चुका है आपका छब्बीस प्लस को क्या करना है सर जी प्लस को करना है माइनस के अंदर डिवाइड में बदलना है प्लस के लिए डिवाइड हो एक मिनट प्लस के लिए डिवाइड हो ओके नहीं कुछ तो गड़बड़ है सवाल में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले डेली क्यों गलत होते हैं भाई डेली इनके अंदर मिस्टेक निकलती है कल से जो है इनको खींच के लेके आएंगे आप चिंता मत करो कल कल का समय और दीजिए कल से मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले गलत नहीं क्योंकि जो है इनका साइन जो है ना वो टाइपिंग करते हुए साइन जो है वो इधर उधर निकल जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है मुझे पूरा उम्मीद है इस सवाल में कि गड़बड़ है इसमें से आंसर निकल रहा है क्या चेक करो एक बार निकल रहा है क्या आंसर इसका अगर निकल रहा है तो सोल्व करेंगे नहीं फिर नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को इसमें गड़बड़ लग रही है नेक्स्ट पे आ जाओ अभी के लिए है ना

का आपसे सिनोनियम पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं मैं इंग्लिश भी बता दूंगा आपको मैं फिजिक्स भी पढ़ाता चलूंगा साथ साथ हम सब पढ़ा देंगे आपको है ना आइए आइए भाई ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है यहां देखो निर्यात आयात क्या अपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल सर अपोजिट वर्ड्स हैं अच्छा जी साहब अट्रैक्शन रिपल्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है बिल्कुल सर अपोजिट वर्ड हैं भीरुक और भीरू दैट इज फियरलेस और टिमिड तो इनमें से ये बताओ जरा क्या अपोजिट वर्ड है क्या ये है क्या ये अपोजिट वर्ड है और दूसरा है घृणा और ईर्षा घृणा और ईर्षा वैसे तो अलग अलग चीजें हो गई दो वैसे तो दो ये अलग अलग चीजें होगी लेकिन आप लोग क्या आंसर लगाओगे इसमें से मैं देखना चाह रहा हूं ऑप्शन नंबर सी होगा सर जी ऑप्शन नंबर सी होगा वेल डन बहुत अच्छे शाबाश लगा दी लंका ऐसे सवाल लंका लगा जाएंगे सबकी ऐसे सवाल लंका लगा जाएंगे सबकी सबकी लंका लगेगी है क्या क्या सोचा सर ने इसमें मार्क कर दिया तो बस यही ठीक है मेरे लाल ये भी अपोजिट वर्ड है फियरलेस और टिमिड टिमिड मतलब होता है डरपोक हिंदी में लिख लो इधर भीरू समझ में नहीं आता तो डरपोक डरपोक और फियरलेस मतलब जिसको डर नहीं लगता है नॉन डरपोक कह सकते हैं आप तो सर जी ये भी अपोजिट वर्ड है ये भी एंटोनियम है यह भी एंटोनियम है अपोजिट वर्ड है छोड़ करके इसको आई बात समझ हाथी के चक्कर में चीटियां काट जाएंगी काटती चीटिया हाथी काटता नहीं है सवाल छोटा आसान ही नंबर कटवाता है हाथी सवाल नंबर नहीं कटवाता है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हाथी लेवल की होती है और चिट्टी काट जाती है समझ में भी नहीं आता ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट अगला सवाल इरेज करो इसको ये लो आराम से देखो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हैं अपोजिट वर्ड्स हैं अपोजिट वर्ड्स हैं लेकिन ये जो है अपोजिट तो नहीं कहेंगे इसको घृणा और ऋषा वैसे तो कुछ सिमिलरिटीज हैं इनमें और ना ही हम इनको सिनोनियम कह सकते हैं ना तो इनको जो है आप एंटोनियम कह सकते हैं और ना ही जो है इनको सिनोनियम कह सकते हैं लेकिन बाकी सारे एंटोनियम्स हैं या अपोजिट वर्ड्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल अगला सवाल चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का गाइस एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला वाई और मुड़ा फिर दाई और मुड़ा अंत में वह बाई और मुड़ा वह किस दिशा में चल रहा है आसान बहुत आसान सवाल मेरा सही है सर जी ओके बहुत अच्छी बात है <laughs> चलिए हाँ वो जो सवाल था आ, क्या टिमिड हाँ टिमिड का जो है एंटोनियम पूछा गया था या सिनोनियम आ, मेरे को रिमेंबर नहीं है लेकिन टिमिड का जो है सवाल आया है पिछले दो साल में ही आया है चलिए एक व्यक्ति पश्चिम मतलब कि सर जी वेस्ट में जा रहा है फिर वह दाएं मतलब कि सर जी राइट में घुमा उसके बाद में में वह दाएं मतलब सर जी फिर से राइट घुमा उसके बाद मेंज लेफ्ट में घुमा फिर वह अब किस दिशा में जा रहा है बात इतनी राइट से लेफ्ट कट गया कुल मिलाकर के वेस्ट में जा रहा था और राइट में घुमा दीजिए दैट इज सर जी ये वेस्ट में जा रहा है और ये राइट में घुमा दिया आंसर बोलो हो गया नॉर्थ ऑप्शन नंबर ए खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आंसर हो गया नॉर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन भले ही आप इसको ट्रेडिशनल मेथड लोकल तरीके से कर सकते हैं ये लो लोकल तरीका ले में जा रहा था दाएं मुड़ा दीजिए फिर दाएं मुड़ने के बाद में फिर दोबारा दाएं मुड़ा दीजिए और दोबारा दाएं मुड़ने के बाद में बाएं मुड़ा दीजिए ये लो ऐसे भी आंसर निकले गई लेकिन ये तो छोटा सवाल है बड़े प्यार से कर दिया लेंदी लेंदी, लेंदी क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से उड़ा फेरेंगे ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर एवरीबडी फोड़ी अगला सवाल लाइव है आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो जल्दी वट इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन जल्दी फोडो आंसर क्या होगा इस सवाल का शाबाश चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं जरा ध्यान से आइए सर क्या कह रहा है ए बी सी डी ई पांच दोस्त है काफी तीस सेकंड का समय दिया इसमें और सफिशियंट इस सवाल के लिए तीस सेकंड ध्यान से सुनो ए बी सी डी पांच लोग हैं पार्क में वर्त में बैठे हैं मैंने आपको कराया था सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल सर जी

अपोजिट मतलब बिल्कुल सबका बाहर की तरफ है या तो ये कंडीशन हो सकती है या तो ये कंडीशन हो सकता है कि सवाल में बोला सब गोलाकार आकृति में बैठा है और सबका मुंह केंद्र की तरफ है ये दो कंडीशन होगी लेकिन अगर सवाल में कुछ नहीं बोला गया ना तो बोल रहा है केंद्र की की तरफ तरफ है 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 और ना ही बोल रहा है बाहर की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट आप सोचेंगे कि उनका मुंह अंदर की तरफ है दट इज इनर साइड में है सेंटर साइड में अब सुनिए सवाल को ए बी सी डी ई पांच लड़के एक पार्क में वर्ताकार बैठे हैं दट इज सर्कल में बैठे हैं ए का मुंह पश्चिम दिशा में अगर मैं ए को यहां बिठाऊंगा तो सर जी इसका मुंह

E क्रमश है बी और ई e क्रमश है सी और डी के सामने बैठे हैं सी और डी के सामने बैठे हैं इस तरह से बी के सामने सी बैठा है और डी के सामने ई e बैठा है तो आप अपने आप ही बाई डिफॉल्ट कह सकते हो कि ई e यहां बैठा है ई e यहां बैठा है लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं चला बी और सी कहां बैठे हैं बी और सी का भी पता नहीं चला अब आओ आगे थोड़ा सा कह रहा है बी के बीच में समान दूरी पर है अच्छा बी जो है सी डी के बीच में A और डी थे क्या अरे यार ये ए और डी थे ए और डी थे ये उल्टा सीधा लिख दिया हमने दोबारा लिखते हैं इस चीज को आसान है बस सिर्फ और चीजों को प्लॉट करते हैं बी और ई वो आ, और सामने बैठे है। ए और डी के ठीक सामने बैठे इसका मतलब ई के सामने कौन बैठा है डी बैठा है ई के सामने डी बैठा दिया और बी के सामने ए बैठा था बी को यहां बैठा दिया अब पढ़िए आगे सी और सी डी बी के बीच के अंदर समान दूरी पर बैठे हैं सी और डी जो है बी के बीच में समान दूरी पर बैठे हैं तो सी यहां हो जाएगा सी का मुंह किस दिशा में होगा सी <laughs> और डी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यार इंग्लिश में पढ़ो एक बार इंग्लिश में पढ़ी या फिर मिस प्रिंट है, है बी जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइपिंग है बी जो है वो सी और डी के बीच में समान दूरी पर बैठा है अब बैठ के क्या पांच लोग एक दो तीन चार पांच इसका मुंह किस दिशा में इसका मुंह सर जी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कुछ तो गड़बड़ है यार सवाल में कुछ तो गड़बड़ है Let me check your comments. <laughs> uh, B R right A or D respectively. Uh, C is equidistance of A and B. A and B. A and B ho gaya. C is equidistance between D or B. D or B. या फिर डी को जो है हमें यहां नहीं रखना अरे अरे वेट 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 इसको हम एक इंप्रूव कर सकते हैं अभी होएगा सवाल अभी होगा अभी होगा अभी देखो अगर हम डी को यहां रख दें और ई तो right. okay. <this."2> को यहां रखें डी को यहां और ई को यहां रखें और सी को एक बार के लिए यहां से हटाओ सी को यहां से हटा दो अब सवाल बन गया ऐसा ए के सामने बी हो गया डी के सामने ई हो गया यहां बी था ना ओके यहां ए था यहां बी था ए के सामने बी हो गया डी के सामने ई हो गया अब बोल रहा है कि ए जो है सी जो है वो डी और बी के बीच में बैठा है तो ये हो सकती है डायरेक्शन ये भी आंसर में नहीं है मिस्टेक है क्वेश्चन में भी मिस्टेक है अगर नहीं हुआ तो मिस्टेक है बस इतना ये ये ध्यान रखो इसमें मिस्टेक है कल जो है इनको यार और ध्यान से क्रिएट करेंगे सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस सर जी आपने स्टार्टिंग में गलत लिखा है क्योंकि सबसे पहले बोला है साउथ ईस्ट में बैठे हैं आपने साउथ में बिठा दिया गुरु ओहो ऐसा कर दिया क्या आ, ए का मुंह पश्चिम दिशा में है ओ डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व में तो करा था शुरुआत में सही किया था हमने ये क्वेश्चन ही मेरे लाल एरर है अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार देख लेता हूं ए बी सी डी पाँच लोग व्रताकार में बैठे हैं ए का मुंह पश्चिम में है ए का मुंह पश्चिम में हो गया डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है डी का मुंह दक्षिण पूर्व में यहां कर देंगे हम उसके बाद में बी और ई बी और ई जो है वो क्रमशः ए के सामने बैठा है बी यहां पर और ये बैठा है ई e, यहां पर अब सुनो अब बोल रहा है कि ए और डी के ठीक सामने सी और डी है यहां फिर गड़बड़ है B. भाई मिस्टेक ही है इस क्वेश्चन में ना स्किप दिस क्वेश्चन इसका भी बोनस मान लो आज है ना कल से इनको दो बार क्रॉस चेक किए जाएंगे ठीक है सॉरी फॉर योर इनकनवीनियंस दिल से माफी चाहता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है ना कल से इनको डबल चेक करके लाया करेंगे आप लोगों के लिए फोर्डी सवाल का आंसर है ना आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन श्री जी ईस्ट होगा साउथ वेस्ट होगा जो भी होगा कोई बात नहीं आइए इस सवाल पे ना? पड़ फोड़ी है ना फटाफट फोड़िए सवाल का आंसर क्या होगा उठ दिया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फटाफट फोड़िए नौ सत्ताइस इक्कीस एक सौ पचपन एक सौ इकसठ ग्यारह सत्ताईस नेक्स्ट बतानी है 9, 27, 21, 25, 25, 161, नेक बता अगली टर्म क्या होगी फोड़ो भाई है ना फोड़िए जल्दी से उड़ दिया अच्छा इंग्लिश के अंदर साउथ ईस्ट है तो हाँ वो थोड़ी सी मिस्टेक है उसको रेक्टीफाई कर लिया जाएगा ठीक है अब तो कोई चिंता मत करो यार हम है तो क्या गम है ना हम हैं तो क्या गम है आ जाओ फटाफट जाओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं आ जाइए देखो सर इस सवाल के ऊपर आइए नौ सत्ताईस इक्कीस एक सौ पचपन एक सौ इकसठ और चार पांच पंद्रह और एक पांच छ बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं चलो फोड़ो फोड़ो कोई बात नहीं जस्ट स्टे मोटिवेटेड है ना तुम मेरे को मोटिवेट करते रहो यार है ना इतनी सारी गलतियां हो गई में कोई बात नहीं देखो सर यहाँ क्या हो रहा है नो को अगर मैं तीन से गुणा करू नोतिया सत्ताईस हुआ सत्ताईस में अगर मैं चार जोड़ू तो एक...

नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल फोड़िए वेबडी आंसर करिए सवाल का बीस बीस उन्नीस सोलह सत्रह तेरह चौदह ग्यारह नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल लाइव है फोड़ो जल्दी से आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी देखो जब भी शुरुआत के अंदर दो सिमिलर संख्या आ जाए दो सेम नंबर आ जाए तो समझ लो डेफिनेटली उसमें दो सीरीज का यूज हुआ है डबल सीरीज यूज हो रही है मतलब अल्टरनेट हमें चेक करना है क्या करना है अल्टरनेट हमें चेक करना है अल्टरनेट चेक करेंगे आप लोग अल्टरनेट से आंसर निकालेंगे देखिए और दूसरी अल्टरनेट सीरीज यहां चल रही है टू दो सीरीज को मिक्स कर दिया मिक्स सीरीज भी कहते हैं इसको कि दो सीरीज को दो नंबर सीरीज को मिक्स करके आंसर निकालना है अब आपको देखो 20 से 19 पर गए सर जी माइनस का बनवा, हुआ 19 से 17 गए माइनस का टू हुआ और 17 से 14 गए माइनस का तीन हुआ अब आगे जाओगे तो माइनस का चार करोगे माइनस के चार का मतलब है दस एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दो चीजें चाहिए दस कहाँ है ये देखो सर जी दस इसमें भी नहीं है शुरुआत में इसमें भी नहीं है। या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा दूसरी चेक माइनस का, 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 का वन करना दस, दस और दस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पे अगला सवाल है ना अगले सवाल पे पहुंचो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लाइव स्क्रीन बच्चा ग्यारह आंसर दे रहा है वो गलत है ना फोड़ो इज वी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी से फोड़िए आंसर क्या होगा इस सवाल का चलिए इज वी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबडी जल्दी से फोड़िए आंसर क्या है इस सवाल का 110, 132, 156, 210. सौ राइट आंसर एब्सोलुटली राइट क्वेश्चन है ये फोड़िए व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चबा चबा चबास देखो अगर मैं बात करूं यहां पे 110 से 132 पर जाते हैं आप तो सर जी टोटल 22 ऐड हुआ कलर तो विजिबल है कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना भाई है ना अगर मैं वाइट कलर यूज करके देखूं तो कैसा फील होगा देखते हैं जरा अगर मैं 132 से 156 पर जाऊंगा तो देखिए आप ध्यान से 8 और 6 114 आई थिंक 24 जुड़ रहा है ना ट्वेंटी फोर प्लस हो रहा है अच्छा जी साहब अब जरा देखो अगर यहां बाईस जुड़ा फिर चौबीस जुड़ा तो आगे छब्बीस जुड़ना चाहिए कितना जुड़ना चाहिए छब्बीस जुड़ना चाहिए आंसर आएगा 192. और 192 में जरा ट्वेंटी एट जोड़ के देखो आंसर आना चाहिए दो सौ दस जोड़ो जरा फटाफट से बिल्कुल सर एब्सोल्यूटली राइट right है अपना आंसर नहीं आ रहा है एक सौ बयासी होगा क्या एक सौ है, एक होगा ऑप्शन नंबर सी एक सौ बियासी में अट्ठाईस जोड़ो आंसर आ रहा है 210, बिल्कुल ठीक है आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 182, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल ना? Next question है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अगला सवाल इज गोइंग टू बी लाइव ऑन योर स्क्रीन लेटर सीरीज है ये मंडे को पढ़ाने भी वाला हूं वैसे मैं एस एस सी जी डी संडे को पढ़ाएंगे मे बी संडे को मैराथन लेने की प्लानिंग चल रही है एस एस सी जी डी स्पेशल जिसमें सिर्फ लेटर सीरीज पढ़ाई जाएगी मतलब ये वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा स्पेशली कंप्लीट करा देंगे एक ही क्लास में ठीक है कंप्लीट करा देंगे एक ही क्लास में चलो चलो ब्लैक ही ठीक है फिर तो नहीं तो रेड ले, ले लेते हैं रेड़ भी ठीक है आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा सर निकालने का एक ही तरीका है सबको जोड़ो कौन कितने नंबर पर आ रहा है कि कितने टोटल नंबर आ रहे हैं देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या लेटर कितने है? सर अट्ठारह लेटर हैं अट्ठारह की पेयरिंग सर दो दो की भी हो सकती है तीन तीन की भी हो सकती है छह छह की भी हो सकती है और नो नो की भी हो सकती है मोस्ट पॉसिबल चांस होते हैं कि तीन की या छह की बीच वाले numbers की हो पेयरिंग तो तीन तीन की पेयरिंग जरा ट्राई करो भाई है ना तीन तीन की पेयरिंग हम ट्राई करने वाले हैं जिनको बच्चों को नहीं आता चैप्टर कोई बात नहीं सिखा देंगे ठीक है तीन तीन की पेयरिंग फॉलो करो वन टू थ्री 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 एंड वन टू थ्री देखिए पहले का पहला सी है दूसरे का पहला भी सी है रिमोट दब गया भाई पहले का पहला सी है दूसरे का पहला भी सी है अंडरलाइन करते हुए चलते हैं दूसरे का भी सी है तीसरे का पहला भी सी है चौथे का पहला भी सी है पांचवे का पहला भी सी है छठवी का पहला भी सी है इतनी चीज तो सिमिलर आ रही है लेकिन चलो पहले का दूसरा भी सी है दूसरे का दूसरा भी सी है तीसरे का दूसरा सी होगा यहां पर सी होगा यहां देखो सी है ये भी सी है यहां भी सी होगा अब आएगा असली मजा सर देखो यहां कुछ नहीं था यहां बी आया या फिर ए आ, आ, आ गया फिर बी आया फिर कुछ नहीं आया फिर बी आया एक चीज फ्लैश कर रही है दिमाग में ए बी ए बी रिपीट हो रहे पहले वाली सीरीज में ए आया होगा दूसरी वाली में बी आया है तीसरी में फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया सी सी ए सीसी बी सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी रिपीट हो रही है अल्टरनेट सीरीज रिपीट हो रही है अल्टरनेट सीरीज रिपीट हो रही है और इसकी भी अल्टरनेट सीरीज जो है वो रिपीट हो रही है आई बात समझ अल्टरनेट सीरीज जो है वो रिपीट हो रही है मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही अगला सवाल या आप इसको भी कर सकते हो कि छ की सीरीज बना दो छ की मात्र तीन ही पेयर बनेंगे उनमें बनेगा सीसीए सीसी बी सीसी और सीसीए सीसी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल तो आंसर क्या हो गया इसका फिल क्या ए सी ए सी फिल कर ए सी ए सी ऑप्शन नंबर ए में है अगला सवाल फोड़िए सेम इसी पैटर्न पे, पे बेस्ड एक और सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर लाइव है फोड़िए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अल्टरनेटिव है सर जी ओके 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 सर मेरे आया था टिमिड का एंटोनियम और बोल्ड लगाया था मैंने देखो बोल्ड का तो मुझे पता नहीं <laughs> लेकिन जो भी किया होगा आपने अच्छा ही किया होगा अच्छी बात है आइए भाई अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर अगली बार रागा फोड़ना है सर जी अब की बार ओके okay, देखो काउंटिंग करनी है सर जी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह टोटल नंबर सर जी अट्ठारह हैं अट्ठारह के अंदर वही काम फिर करना है सर जी हमें काउंट कर लेते हैं फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन सेवन एटीन सर जी अट्ठारह ही है अब अट्ठारह की सर जी पेयरिंग दो दो की भी बन सकती है चार चार की तीन तीन की भी बन सकती है छ छः की भी बन सकती है और आठ आठ की भी बन सकती है आप लोग फटा नो नो की बन सकती है नोटाट आठ की नो नो की दो पेयर बना दें हो सकता है तो आप लोगों को फटाफट से ये चेक करना है कि कौन सा वाली पेयरिंग बनेगी और क्या चीजें रिपीट हो रही होंगी बच्चे बोल रहे हैं सर जी ए होगा कुछ बोल रहे हैं सर जी बी होगा और दे दो आंसर कोई देना है तो चलिए फोड़े भाई चलिए सर देखो सबसे पहले तो तीन तीन की पेयरिंग बनाओ आई थिंक तीन तीन की नहीं बनेगी एक बार दो दो की से स्टार्टिंग करते हैं अपन है ना दो दो की पेरिंग से ही स्टार्टिंग करते हैं वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू एंड वन टू एंड वन टू एंड वन टू आई थिंक दो दो की भी नहीं चार चार की बनेगी क्या फिर इसमें अट्ठारह के अंदर अगर दो की नहीं बन रही है तीन की भी नहीं बन रही है चार की भी नहीं बन रहेगी छः की भी नहीं, बन नहीं बनेगी अगर इनकी नहीं बनेगी तो भी इन पर एक कंडीशन अप्लाई होती है है ना कंडीशन एक अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सवाल को फोड़ेंगे पहले तो इसको देख लो एच जे, जे जे एच हो सकता है यहाँ आए और फिर जे एच फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगा दो दो की पेयरिंग आई थिंक नहीं बनेगी तीन तीन की भी नहीं बनेगी कोशिश तो शायद मेरी यही है कि शायद इसमें तीन तीन की भी ना बने फिर भी चेक करेंगे तीन 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 नहीं बनेगी तीन तीन की भी नहीं बनेगी छह छह की बनने की तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता आठ आठ की चेक कर लें क्या सॉरी नो नो की चेक करें की टू थ्री वन टू थ्री वन टू नो नो की भी नहीं बनेगी फिर बनेगा बनेगा क्या क्या सर सर इसमें जी ऑप्शन गलत है ओके और कोई एक दो तीन चार पांच ओ हो हो वन टू थ्री फोर फाइव और ऑप्शन में चार ही लिखे हैं चलिए शांति से अगले सवाल पे आते हैं ब्लैंक्स पांच ऑप्शन में दिए हैं मात्र चार नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल वेल्डन वेलडन वेलडन गुड इसका फिर अगर होता तो एक ही फिर सॉल्यूशन निकलता देखो यहां तो मिस्टेक है इसमें लेकिन अगर इसका होता तो क्या सॉल्यूशन निकलता वो सुनो कि 18 को 18 ना मान करके 16 मान लिया जाता या फिर 18 को 18 ना मान करके 20 मान लिया जाता इनसे क्या फायदा होता है सोलह मानने का मतलब है कि चार चार के पेयर बन रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर चार चार के चार पेयर बन गए सोलह के और जो ये दो आए ना ये अगले वाले पेयर के दो आए ये हमें मानना पड़ता या हम बीस बीस का बनाते तो बीस बीस के अकॉर्डिंग चार 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 के पेयर बनते और इसी हिसाब से जो है अगला ये जो है ये अगले पेयर का आया हुआ होता इस तरह से सोच के फिर हमें सवाल करना होता अगर ऐसे एक्सेप्शन भी बनते हैं

कोस्ट गार्ड में आए ए को एक एस को थ्री नाइन थर्टी नाइन कहा जाए तो सुनो एस को कैसे थर्टी नाइन कहा जाएगा ए एक पर आता है एस उन्नीस पर आता है और एस उन्नीस पर आता है उन्नीस दूनियों अड़तीस और एक उन्चाली हो रहा है बिल्कुल हो रहा है सर ग्रास की अगर मैं बात करता हूं इसी सेम फॉर्मेट में ग्रास को सात अट्ठारह एक उन्नीस और उन्नीस कहा जाएगा तो आ, आंसर बोलिए सत्तावन और सात कितना हो गया चौंसठ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल 64 है इस सवाल का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अगला सवाल इज गोइंग टू बी लाइव ऑन योर स्क्रीन फोड़िए अगर स्टडी को नाइन थ्री एट फाइव का आ जाए एंट्री को वन टू थ्री फोर फाइव कहा जाए तो बताइए सी डेट को क्या कहा जाएगा सी डेट को क्या कहा जाएगा चलो चलो देखो सर जी ये का क्वेश्चन है कैसे सर जी एस ए टी देखो एस ई डी ए टी और ई सब कुछ तो इसी में मिल गया आपको इस दूसरे शब्द की जरूरत भी नहीं पड़ी सब कुछ इसी में मिल गया आपको एस को क्या लिखा गया है? नो लिखा गया है नो से चालू होने वाले दोनों ही ऑप्शन नहीं है ई डी ई को कहा गया है सर जी एक को डी को कहा गया है सर जी आठ आंसर बोलो ऑप्शन नंबर डी आधे अधूरे सवाल से पूरा सॉल्यूशन निकालना ही तो अप्रोच कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग बी ऑन योर स्क्रीन अगला सवाल फोड़ी एबल e, को अगर फाइव थ्री टू फोर कहा जाए बिंगो को अगर थ्री सिक्स वन सेवन एट कहा जाए तो बताइए बेंगल को क्या कहा जाएगा बेंगल इज रिटर्न इन विच वन ऑफ कंडीशंस बेंगल को क्या कहा जाएगा फास्ट एवरीबडी जल्दी करो और आंसर बताओ इस सवाल का क्या हो सकता है चलो देखें देखें देखो सर जी एबल को ये कह दिया गया है बिंगो को ये कह दिया गया बेंगल को पूछा है बेंगल का सर जी सीधी सी बात है कॉमन कोडिंग दिख रही है बी ए एन जी एल और ई e, सब कुछ कॉमन कोडिंग से आंसर आ जाएगा कॉमन कोडिंग मतलब कॉमन है जिसकी कोडिंग बाकी दोनों के साथ में तो देखो ध्यान से बी को कहा गया है तीन ए को कहा गया है पांच एन को कहा गया है एक और जी को कहा गया है सात और एल ई e को कहा गया है दो चार तो पैंतीस सत्रह चौबीस ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर गई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है ना अगले सवाल पे पहुंचे जल्दी से वुड दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन 40 आंसर क्या होगा फोटोसिंथेसिस सबसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता? इस बार का कोस्टवाड़ का क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही था है ना इस बार का कोस्टवाड़ का सवाल ऐसे आया था भाई एक शिफ्ट में कि फोटोसिंथेसिस सबसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता व्हिच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मड फ्रॉम द वर्ड फोटोसिंथेसिस जल्दी डू फास्ट एवरीवन जल्दी करो डू देखो सर जी पहला लेटर चेक करो टी एच ओ एस ई देखो सर टी एच ओ एस और ई सर बनाया जा सकता है तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि सवाल नहीं बनाया जा सकता की बात करी थी सेंट पूछिए एक्सेंट पूछिए सी एस सी ई एन और टी सर जी ये भी बनाया जा सकता है तो ये भी गलत हो गया तीसरे पे आओ प्रोन देखो सर जी पी आर नहीं है क्या ओके सर जी ओ ओके एन और ई एन ई तो मिल गया दरअसल ओ नहीं अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस में दरअसल सर जी प्रोन नहीं बनाया जा सकता पबजी खेलते उनको पता होगा अच्छे से प्रोन क्या होता है है पबजी खेलने वाले बच्चों को पता है कि प्रोन क्या होता है क्या होता है जरा कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है ना ऑप्शन सी कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल लिबर liberal, लिबराइजेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता लिब्रियोनिस्ट ओहो अजीब, अजीब अजीब से शब्द है फोड़ी भाई है संजय सर ही पढ़ सकते हैं इनको भाई वाले सर को नहीं पढ़ने आते हैं। है? <laughs> चलिए, चली, इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है नहीं बनाया को एल इस आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है पहला ही शब्द नहीं बनाया जा सकता ऑप्शन गिवन वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल छोड़िए सवाल कह रहा है दो अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो लिखो दो तीन, तीन चार दस पांच सात छह और बीच में बताओ क्या होगा बीच में बताइए क्या होने वाला है जल्दी बीच में बताइए क्या होने वाला है एवरीवन। जल्दी बताओ आंसर क्या है इस सवाल का डुफास, डुफास, डुफास्ट 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 आसान है आसान है थोड़ा सा बस दिमाग को चलाने की जरूरत है चलिए सर अगर मैं बात करूं इसका तीन दूनी छह होता है और छह बटे दो कितना हो गया तीन हो गया अच्छा जी साहब बीच में जो कि आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पांचों को बीस हो गया बीस को दो से भाग कर दीजिए आंसर दस आ गया जो कि बीच में है सात बयालीस होता है बियालीस को दो से भाग करो आंसर आ गया इक्कीस जो कि ऑप्शन नंबर ए में है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से वीसर ऑफ ऑर्डर की पहले शहद आया होगा कि मक्खी आई होगी वो किसी और पे गई होगी वो किसी और पे और फिर एक पूरा फॉर्मेट बन के तैयार हुआ होगा वो आपको बताना है क्या आंसर होगा उस सवाल का डुफासवरी वन शाबाश। शाहबाज वेल्डन गाइज वेल्डन 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 देखो देखिए भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए बी सी डी डाल लो इनके यहां ए बी सी डी डाल सकते हैं आप यहां पे अब अब फोड़ो देखो सर जी अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले क्या चीज आई होगी इनमें से हनी बी फ्लोवर या वैक्स यार सबसे पहले तो फूल आया होगा उस फूल के ऊपर मक्खी बैठी होगी तो सबसे पहले फूल आया होगा उस पर मक्खी बैठी होगी उस मक्खी ने उसमें से शहद निकाला होगा और शहद अपने छत्ता चात, जो होता है उस पर जाके लगाया होगा छत्ते बनाते बनाते उस छत्ती चात, छ के अंदर क्या क्या होता है एक तो सर जी रस होता है जिसको शहद कहा जाता है और दूसरा जो उसका सोलिड पार्ट बसता है उसको वैक्स कहा जाता है मोम भी कहते हैं दैट इज इज डी राइट right आंसर का है बी सी ए डी का है बी सी ए डी ऑप्शन नंबर ए में है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल ऑप्शन नंबर बी में है सॉरी है ना बी में है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए अगला सवाल 40 है 40 40 जल्दी से आंसर क्या होगा इस सवाल का फोड़ो। प्लांट सीड फूड सीड प्लांट फूड सीड और लीफ है ना इनको भी आपको एक अरेंजमेंट में जाने, एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट में जाना है कि पहले क्या हुआ होगा यार पहले जो है वो सीड आया होगा है ना पहले सीड आया होगा दैट इज फर्स्ट नंबर पे आएगा सी उसके बाद में फोड़ो फटाफट से उसके बाद में सर जी या तो पौधा आया होगा या पत्तिया होगी या खाद आया होगा दैट इज खाने वाली चीज आई होगी तो सुनो सबसे पहले जो है वो बीज आया फिर जो है पौधा बना है ना पौधा बना उस पर पत्तियां लगी पत्तियां लगने के बाद में पत्तियां हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी में और पत्तियां लगने के बाद में उस पे खाने लायक चीज लगी आम सेब संतरा पपीता जो भी आप चाहते हैं सी बी डी सी ए डी बी सी ए डी बी कहा है ऑप्शन नंबर सी में नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है ना चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनो हम्म बहुत मिस्टेक है यार आज की इस फाइल को मैं एकदम उसमें डालूंगा क्रैश फोल्डर में डालेंगे इस फाइल को इस फाइल में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं एक चीज यहाँ से गायब ही हो गई है एक चीज यहाँ से गायब ही हो गई है।, है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है ना इसको कल से एक परसेंट भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी वैसे आज रेक्टिफाई करना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का एसएससी जीडी का थोड़ा सा जो है लोड होने की वजह से मैंने इसको आज क्रॉस चेक नहीं करा है ना सॉरी फॉर दैट कल से ये दिक्कत नहीं आएगी है ना चलो कोई बात नहीं फोड़ी है इनफेंट अडल्ट एडोलसेंस चाइल्ड और ओल्ड इन सभी को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जाना कि पहले क्या हुआ होगा फिर क्या होगा फिर क्या हुआ होगा और फिर क्या हुआ होगा, होगा फोड़िए कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको है कोई दिक्कत तो नहीं है कल से ठीक हो जाएगा आइए शिशु प्रौढ़ किशोर बालक और वृद्धावस्था इनमें से पहले अवस्था कौन सी आती है पांच इंसान की अवस्थाएं होती हैं जैसे कि शिशु अवस्था जब बच्चा जन्मता है सबसे पहले जो है वो शिशु अवस्था में आता है तो सर जी ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है खत्म बात मैट्री सोल हो गया सर जी इन्फेंट रहा होगा वो बेबी रहा होगा उसके बाद में सर वह बाल्य अवस्था में गया होगा तो ये बाल्य अवस्था गई फिर वो किशोर अवस्था में गया होगा फिर वो अडल्ट फेज में गया होगा और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई होगी इस तरह से चीजें चलने वाली तो देखो सबसे पहले आएगा ए उसके बाद आएगा ई दट इज ई रहा दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर आया डी चौथे नंबर पर आया सी और पांचवें नंबर पर आया बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा अगला सवाल है ना अगले सवाल पर पहुंचे भाई फोड़िए इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है इसकी मिरर इमेज image... दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है दर्पण लगा है नीचे और दर्पण जब भी नीचे लगता है तो उसको कहते हैं हम वोटर इमेज दर्पण जब भी नीचे लगता है उसको कहा जाता है वोटर इमेज फोड़िए जल्दी से आंसर क्या है इस सवाल का वट इज दिस क्वेश्चन एवरीबडी जल्दी फोड़ो लाल देखो सर इसको जब हम बिल्कुल नीचे की तरफ झुका देंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा जो राइट में है वो राइट में ही जाएगा जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहने वाला है तो जैसे पकड़ के नीचे करोगे नॉर्थ तो जस्ट नीचे आ जाएगा अब नीचे तो आएगा ही आएगा जब एन को आप मिररिंग में देखोगे तो इस तरह का एन बनेगा इस तरह का देखो एन है क्या नहीं है एन है क्या नहीं है और एन है क्या नहीं है कौन सा ठीक फिर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर का अगला सवाल फोड़िए इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन बोल रहा है ब्रदर मेल और स्कोलर में संबंध आपको बताना है ब्रदर मेल और स्कोलर स्कोलर कौन होता है जो एक तरह से पढ़ाई कर रहा हो हिंदी में विद्वान भी कह सकते हैं या जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको भी कहा जाता है ठीक है चलिए आइए ब्रदर मेल और स्कोलर आइए सर क्या कहेंगे इसको सर जी मेल हो गया ये ब्रदर हो गया ये तो ये ब्रदर हो गया सारे ब्रदर्स क्या है मेल हैं और स्कोलर की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्कोलर ब्रदर हैं कुछ स्कोलर मेल हैं इस तरह से वेंडाइग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर ए में जैसा कि दिखाई दे रहा है आई बात समझ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल फोडिए भाई अगले सवाल पर आ जाओ फोडिए अगला सवाल लाइव आ रहा है स्क्रीन पे आपके फोडिए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस फोड़ो, जल्दी फोड़ो वट इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी देखो सवाल को आंसर क्या होने वाला है वट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबडी देखें आ जाओ सर जी अगर मैं दो प्लस एक तीन करता हूं और तीन को तीन से गुणा करता हूं तो आंसर नो आता है चार प्लस पांच सर जी नो करता हूं और नो सी का चौवन करता हूं नाइन इंटू सिक्स इजक्स टू फिफ्टी फोर होता है आ रहा है आंसर अच्छा सात प्लस तीन क्या दस होगा और दस को अगर मैं आठ से गुणा करूं तो आंसर क्या अस्सी आएगा दैट इज फॉर्मूला क्या लगा ए प्लस बी इंटू सी इज्कुल्स टू डी आ रहा है ए बी इन टू सी इजक टू डी खत्म सवाल समाप्त नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल और अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर, जरूरी सूचना है अगर अभी तक आपने माई राइजिंग डाउनलोड नहीं करा तो डाउनलोड कर लीजिए अर्जुन बैच के अंदर कंप्लीट डिफेंस है एयरफोर्स है नेवी है एनडीए है अर्जुन बैच के अंदर जो है आपको सारी चीजें मिलेंगी एस एस सी जी डी बी है इसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगी सारी चीजें इसमें मिलने वाली है टेस्ट मिलेंगे टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्ट मिलेगी बहुत कुछ मिलने वाला है आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे अगली क्लास जो है वो अपनी होगी कल शाम को सात बजे एयरफोर्स की प्रैक्टिस अगर आप एस एस की प्रिपरेशन भी करते हैं तो सुबह आठ बजे और दोपहर को एक बजे अपनी दो क्लासेस होने वाली है ठीक है गाईस? अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बोल सकते हैं बता सकते हैं बाकी आज की क्लास इतनी ही होने वाली है ठीक है a+b*c मेरे लाल देखो जो आपने चीज लिखी है वो गलत लिखी है सुन लो कैसे गलत लिखी है आपने क्या लिखा है आपने लिखा है सर जी a plus b into c एक्चुअली में इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब ये नहीं कि a b के साथ जुड़ रहा है और c का गुणा कर रहा नहीं इसका मतलब ये है पहले b का c से गुणा होगा फिर a जुड़ेगा जो कि बहुत अलग चीज है मैंने जो बताया वो बताया a+b*c इन दोनों ही चीजों में फर्क है ये पहले बी के साथ गुणा होगा फिर ए जुड़ेगा फिर आंसर देगा इसमें क्या ये ए बी के साथ जुड़ेगा फिर गुणा होगा ब्रैकेट पहले सोल होता है मेरे लाल जब भी इक्वेशन आती है मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सबसे पहले सोल होता है उसके बाद में आगे चीजें सोल्व होती है तो पहले ब्रैकेट सोल होगा पहले ब्रैकेट सोल होगा इस चीज में और इस चीज में फर्क है अगर आप इसको ब्रैकेट ना लगा करके नॉर्मली लिख रहे हो ना ए प्लस बी इंटू सी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले बी और सी को जोड़ोगे नहीं फिर आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग काम करोगे बी ओ डी एम एस अब यहां बताओ मल्टीप्लाई हो रहा है पहले या एडिशन हो रहा है तो सर पहले मल्टीप्लाई हो रहा था हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना कि एडिशन आई बात समझ क्या होगी भाई कुश्ती होगी अच्छा कुश्ती नहीं करते हैं भाई चलिए आज के लिए इतना ही मेरे लाल हो 22 नंबर सवाल बेटा आज तो काफी कुछ जो है थोड़े से क्वेश्चंस में मिस्टेक थी लेकिन कोई बात नहीं 22 नंबर सवाल सर जी गलत बता दिया है आपने सवाल में बोला था कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता लिबरलाइजेशन शब्द से अच्छा 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 लिबरलाइजेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता तो सही तो बोला था क्या गलत बोला था इसमें दो एल आ रहे हैं इसमें दो एल आ रहे हैं ये एल तो यहाँ आ रहा है ठीक है दूसरा एल कहां से लाओगे लिबरलाइजेशन शब्द से दो शब्द नहीं ये शब्द नहीं बनाया जाता है ना ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है आ गया समझ और कोई डाउट है तो पूछ लो भाई अभी तो है ना और कोई अगर आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है, है गाइस सही है क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभिषेक सही है ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट है ठीक इस क्लास में इतना ही बेटा आज थोड़ा सा मिस्टेक था उसको हम कल ठीक करेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो हम तहे दिल से माफी चाहते हैं आज की क्लास में इतना ही मिलेंगे क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम टेक केयर गाइस लव यू ऑल